नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं और आपका सपना है कि ड्रीम इलेवन पर लाखों रुपए जीत जाते हैं, बहुत से लोगों ने ड्रीम इलेवन पर लाखों रुपए जीते भी हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण वो अमाउंट अपना बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां जिसके कारण आप अपने अमाउंट की अपने ड्रीम इलेवन पर जीते हुए पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकते। कुछ लोग रजिस्टर तो कर लेते हैं लेकिन बैंक अकाउंट और पैन कार्ड में डिटेल मिसमैच होने के कारण वहां पर उनको विड्रॉल करते वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्रीम इलेवन छोटी मोटी राशि को तो विड्रॉल कर देता है, लेकिन आप ग्रैंड लीग जीते हैं यानी कि लाखों रुपए जीते हैं और आप उस वक्त विड्रॉल करेंगे तो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त ड्रीम इलेवन हर चीज को देखता है। बहुत से लोगों का दोस्तों IFSC कोड चेंज हो गया है, बहुत से बैंकों ने अपना IFSC कोड चेंज कर दिया गया है और कुछ लोगों ने IFSC चेंज करने के कारण उन्होंने ड्रीम इलेवन पर अपना बैंक और IFSC कोड नहीं बदला है, जिसके कारण वो अपनी जीती हुई राशि विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों आप अपने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की नाम डेट ऑफ बर्थ जो कि सेम होनी चाहिए ताकि आपको बाद में इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए दोस्तों आप अपने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल को बिल्कुल अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर आपकी पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल मिसमैच है तो आप तुरंत उसको ठीक कर लें। अगर पैन कार्ड में डिटेल मिसमैच है और बैंक अकाउंट में डिटेल मिसमैच है, जो आपकी सही डिटेल्स है, जो आपका नाम डेट ऑफ बर्थ फादर नेम सही है, उसको ठीक करके अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट पर जाकर बैंक अकाउंट चेंज कर लो। दोस्तों मैंने इसकी बैंक अकाउंट कैसे चेंज करना है, IFSC कोड कैसे बदलना है, पैन कार्ड को कैसे डालना है, इसकी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वह वीडियो देखकर अपना बैंक अकाउंट आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है तो एक बार आप अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट में जाकर IFSC कोड और बैंक अकाउंट और पैन कार्ड की डिटेल चेक कर लें कि आपने सही तरह से भर रखी है या नहीं, क्योंकि दोस्तों बाद में आप अगर ग्रैंड लीग से लाखों रुपए विन करते हैं और आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए दोस्तों आपको बैंक अकाउंट और पैन कार्ड की डिटेल्स चेक कर लेनी है, और अगर चेक ठीक है तो ठीक है, अगर वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ या नाम या एक अक्षर की भी डिटेल मिसमैच है तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप बैंक अकाउंट को चेक करके और पैन कार्ड को चेक करके ध्यान से बनना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।